टैक्सी चार्ज इसने बोला कि इसका एक फिक्स अमाउंट है, मान लो आप जैसे ही कोई भी एक टैक्सी पिक करते हैं जैसे ही आप कोई भी एक टैक्सी पिक करते हैं उसमें बैठते ही आपके लेट सपोज ₹X चार्ज लग जाते हैं, आपको बैठते ही फिक्स चार्ज देना है, और जैसे ही टैक्सी पर किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ती है तो आपको ₹Y पर किलोमीटर देना पड़ता है। तो आप लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी द, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹Y। अब यहां पर इसने क्या बोला, द डिस्टेंस कवर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के उसे कितने देने पड़े, ₹105। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो सबसे पहले वो टैक्सी में बैठा होगा, टैक्सी में बैठते ही उसे ₹X देने पड़े, और 1 किलोमीटर का ₹Y है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 into Y, और टोटल ₹ उसे कितने देने पड़े, 105। तो पहली इक्वेशन तो ये बनी। फिर सेकंड, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर उसे ₹155 देने पड़े, जैसे वो टैक्सी में बैठ जाएगा दोबारा उसे ₹X देने पड़ेंगे, और 1 किलोमीटर का ₹Y, तो यहां पर 15 किलोमीटर का ₹15Y हो जाएगा और टोटल 155। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब मुझे X और Y पता करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दो, क्योंकि X और X सेम दिख रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पर X प्लस 10Y 105, X प्लस 15Y, हियर इट इज 155, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट गया, 10 में से 15 गए, -5Y, फिर यहां पर 155 में से 105 गए, तो यहाँ 0 और यहाँ 5 और यहाँ 0, तो कितना देगा, 50 आ जाएगा, तो माइनस में 50 आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू मतलब ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो रहा है, फिर इस वाई को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो पुट वाई इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां पर देखें तो एक्स प्लस 10 into 10 प्लस 105, देन एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 105, ऐसा कुछ बन जाएगा, देन 100 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ₹5, मतलब बैठते ही ₹5 तो उसे देने पड़ेंगे, तो फिक्स चार्ज भी मुझे पता लग गया, तो यहां पर हम लिखेंगे फिक्स चार्ज इज ₹5 और पर किलोमीटर का चार्ज ₹10। अब यहीं पर अगर मैं यहां बात करूं हाउ मच पर्सन डज हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का उसे कितना देना पड़ेगा, तो टोटल फेयर 25 किलोमीटर का कितना होगा, एक तो 25 into Y और प्लस फिक्स ये देना पड़ेगा, तो Y की वैल्यू 10 है और X की वैल्यू ₹5 है, तो ₹255 का बिल बनेगा, खत्म। तो ये मेरा आंसर, तो एक आंसर ये और एक आंसर ये, एक आंसर ये, किसी को अगर